नमस्कार, गुनाह की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रशांत कुमार। काम और पैसा, ये दो चीजें ऐसी हैं जो हर किसी को चाहिए, और फिर इन दोनों की तलाश में इंसान दूर तक निकल पड़ता है। लेकिन ये रास्ता कभी कभी काफी खतरनाक हो जाता है, खासकर तब जब बिना सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं। लेकिन इन सबके साथ एक और भी बात गौर करने वाली है कि चंद पैसों के लालच में इंसान अंधा हो जाता है, और गरीबी वो अभिशाप है जो इंसान को बेबस लाचार बना देती है। फिर क्या होता है, दिखाएंगे पूरी खबर, साथ ही गुनाह की बड़ी खबर भी आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए आपका अपना शो पूर्वा एक क्राइम स्पेशल। गरीबी, जी हां, गरीबी वो अभिशाप है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। उसे हर जगह हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। सारण जिले से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। लोगों की गरीबी का फायदा कैसे उठाया जा रहा है, आप भी देखिए। सारण जिले से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। यहां की गरीब बेटियों को झांसा देकर पहले तो फुसलाया जाता है, और फिर उसके बाद शादी कर बेटियों को हरियाणा ले जाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये भी हम बताएंगे। जिले की एक लड़की को शादी का झांसा दिया जाता है। लड़की गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी, लिहाजा उसके पिता को भी आसानी से झांसे में ले लिया जाता है, और फिर एक लाचार पिता की बेटी की शादी हरियाणा के युवक से करा दी जाती है। लेकिन जब बेटी दुल्हन बनकर हरियाणा पहुंचती है तो उसके साथ जो होता है उसकी हकीकत हैरान कर देने वाली होती है। एक पति अपनी ही पत्नी का सौदा कर देता है उन लोगों के साथ जो अश्लील फिल्म बनाने के धंधे से जुड़े हुए थे। एकरा के बेचे के कदू चाहत रहे, कहां पे केकरा से बेचे के चाहत रहे। अभी तक ई तो बतावती है जे कहीं के दू गो औरत आए रहे और तीन गो मौरा, देखो गाड़ी लेके उजर रंग के आए रहे, आई गोबर फेंकत रहे, तो ये लोग बातचीत करत रहे बेचे के, तो खरीदे वाला 5 लाख कहत रहे देवे के, आई लोग बेचे वाला कहत रहे लोग एकर पति एकर सास ससुर जे एगो थी जीजा उसका जीजा फौजी है और उसका जीजा जब फौजी मिलकर बातचीत करत रहे लोग, तो हम सुना नहीं गोबरे फेंकत में, तो हम 8-9 बजे रात के ही मैंने अंजाद 8 बजे घर छोड़ के भाग गए। घर छोड़ के भागला में एकरा भी कोनो पैसा ना रहे ना मोबाइल रहे। इस बात की जानकारी लड़की को लग जाती है और वो फिर किसी तरह अपने जालिम पति से जान छुड़ाकर भागती है। मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है। वो किस चीज के लिए खरीद रहा था? अब हमको पता नहीं। वो बता रहा है कि वो फिल्म बनाता। वो फिल्म बनाई। क्या हो रही थी बाबू? वो लोग बोलते थे। क्या बात हो रही थी उसमें? कि बेच देंगे आपको फिल्म बनाने के लिए। अच्छा, फिल्म वाले आए थे? वो खरीदने वाला आए थे, उसके बाद वो बात करके चल गए, उसके बाद हम चल आए वहाँ से भाग। तो वो खरीदने वाला और बेचने वाले में क्या बात हो रहा था? वो लोग बोलते थे, वो खरीदने वाला कि हम 5 लाख देंगे, और मेरा घर वाला बोलते थे कि 7 लाख में बेचेंगे। ये सुन के तुम भाग गई? हम भाग, इसके बाद हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। तो आप हरियाणा फिर जाना चाहेंगे? नहीं, हम कभी नहीं जाएंगे। दरअसल जहाँ का ये मामला है वो इलाका काफी पिछड़ा हुआ है। ऐसे में इलाके के लोगों की गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें दलदल में भेजने की कोशिश की जाती है। मानव तस्कर गरीबी का फायदा उठाने में पीछे नहीं रहते। पंजाब की जिसका जरूरत बा, लोग से लगाव बा, स्तर से लोग आके जैसे। कितना लड़की लोग पंचायत के? लगभग 5-6 गो। सब ठीक ठाक से बारी समझ कुछ आ भी गई? पैसे सर ठीक से बा, जैसे ठीक से रही तो वो अब सामने घटना अखबार के माध्यम से उनके जानकारी दें। हाँ जी, का ही सब होता था? गरीबी उनमें मुख्य कारण बा, मजदूर क्लास के लोग बा, पैसा के लोग में। क्या करते लोग पैसा के लोग में? पैसा के लोग में जैसे सामने तस्करी के धंधा हो रहा है, लड़की का अपना बेच देते लोग।
जो जानकारी मिल रही उसके मुताबिक अश्लील फिल्म बनाने वाले 5 लाख रुपए तक देने को राजी हो गए थे, लेकिन लड़की के कथित पति ने 7 लाख रुपए की मांग की थी। इस बात की जानकारी होते ही पीड़ित लड़की के होश उड़ गए। वो रात में ही हरियाणा में अपने घर से भाग निकली और किसी तरह बिहार पहुंची कि मेरी देवर बेटा के शादी करवा दे। तू मेरे देवर के भाई लाके बुआ के लड़का रला, तो हम शादी करवा दिया इसका मैं अपनी बहन के। फिर बोला का तो गलत गलत काम करवाया करते उसका से गेट में बंद करवा करवा के वो अपना भतीजा से। फिर हुआ बोला ना कि ये मेरे को बुलाई, मेरी एक दिन देवर आया था प्याज को और टमाटर को उसका घर पोद लेने। फिर ये बोली कि मेरे दीदी के खाना देना। फिर मैंने आई तो ये बोली ना कि मेरे के साथ ऐसे ऐसे घटना किया और बोल रहे बेचन के लिए 7 लाख में फिल्म बनाने वाला से। तो फिल्म वाला बोल रहा है कि मैं 5 लाख दूंगी, तो वो बोला कि नहीं हम 7 लूंगी। फिर ये बोली कि जीजी मैं तेरे घर चलूंगी, तो बोली कि मैं बोली कि ठीक से मैं तो लिया के चलूंगी। फिर इसका सासू ने नहीं खंदाए और मेरे के और भी इसका के मारी और मेरे के घर से बाहर काट दी। और फिर दहेज के लिए बोली कि अपनी बाप से 2 लाख रुपया और 5 भर के सोना के चैन मांग आए और एगो गाड़ी मांग, न तो तेरे के जान से मार दूंगी और न तो बेच दूंगी। मामले की जानकारी थाने को भी दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला अखबार में सुर्खियां भी बन गई, लेकिन जब इस बारे में इलाके के थानेदार से पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो भी आप सुनिए। क्या मामला है? इसकी जानकारी हमको नहीं है, न किसी प्रकार के हमारे थाना में जो है शिकायत प्राप्त हुआ है, ऐसे पेपर के माध्यम से जानकारी हुआ है, हम पता कर रहे हैं। तो क्या लगता है सर, ये मतलब हरियाणा में बिहार की लड़कियों की शादी होती है? ये अब जांच करने के बाद बतला सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा नॉलेज में कोई मैटर है नहीं, ना ही हमारे पास इस तरह का कोई मामला आया है। अखबारों में सर छपा है कि पोर्न फिल्म में, अखबार वाले से जाकर के पूछिए कि अब मैंने वही बतला सकते हैं उसके बारे में विशेष। मामला गंभीर था, इस बारे में स्थानीय विधायक मुंद्रिका प्रसाद यादव से भी सवाल पूछा गया ताकि ऐसी समस्या पर सरकार का भी ध्यान जाए। इलाके के विधायक मामले में हस्तक्षेप करने का भरोसा दिलाया है। काफी निंदनीय घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, गरीबों के सब साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है और हम लोग मूक दर्शक बनकर के नहीं रह सकते हैं। इसके लिए समाज को भी आवाज़ उठाना चाहिए, हम लोग भी आवाज़ उठाएंगे। सर पूर्व में भी इस तरह का एक मामला ईश्वरपुर में सामने आया था, लड़की को बेचने का मामला आया था सामने, और फिर ऐसा लगता है क्या ये मानव तस्करी का मामला लग रहा है क्या? बिल्कुल मानव तस्करी का मामला है, यह मानवाधिकार का हनन है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जिस तरह से गरीब परिवार अपने बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा है और बाहर के अमीर लोग या कुछ लोभ लालच दे करके बाहरी लोग आ करके गरीबों की लड़कियों से शादी कर करके और बाहर में ले जा करके बेच देते हैं या विभिन्न तरह के धंधों में लगा देते हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जाहिर है मामला गंभीर है, लेकिन पुलिस का जो जवाब मिला वो हैरान करने वाला था। साफ है कि पुलिस अपना पल्ला झाड़ने में जुटी है, लेकिन बेटियों को बचाने के लिए पुलिस और समाज दोनों को आगे आना होगा ताकि फिर किसी बेटी का सौदा ना हो सके। राकेश कुमार, जी मीडिया, छपरा। और अब बात करते हैं उन लड़कियों के बारे में जिन्हें बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, काम के साथ ही पैसे मिलने का भी भरोसा दिलाया गया था, लेकिन जब आंख खुली तो फिर क्या हुआ आप भी देखिए। सर बताया सर कि हम लोग मतलब छोटे मोटे कलाकार हैं आधुनिक के, जो झारखंड में अधिक किए जाते हैं, और ये लोग बोला कि यहाँ आधुनिक का कैसेट बनता और वो गाना गाती है सर, हम लोग आधुनिक में काम करने वाले, तो वो बोला कि चलो। और ये हम तो नहीं जानते थे सर, उससे कॉन्टेक्ट हुआ था, उसके बाद जब हमको पता चला तो हम लोग जाने के लिए तैयार हुए थे और लाके यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा के मालिक को पकड़ा दिया और हम लोग को रोज धमकाता था और उस लड़का को दूर जाने के लिए बोलता था कि इसको हटाओ, हमेशा पैसा का लालच देता था हम लोगों। जो बयान आपने सुना वो सच है, ये लड़कियाँ परेशानी में घिर गई थी, आंखों में बड़े सपने थे, सोचा था कि अपनी कला को आगे बढ़ाएंगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। ये एक ऐसे शख्स के चंगुल में पड़ गई जहाँ से निकलना भी मुश्किल लगने लगा, लग रहा था कि अब इस दलदल से बाहर निकल पाना काफी मुश्किल हो गया है। आपको हम ये भी बताएंगे कि ये लड़कियाँ उस दलदल से बाहर कैसे निकली,
लेकिन इससे पहले जरा इनके बारे में भी आपको बता दें, ये सभी झारखंड की रहने वाली हैं और बिहार के मोतिहारी से इन सभी को छुड़ाया गया है। ये खुद को आधुनिक कलाकार बताती हैं और काम के लालच यहाँ तक पहुँच गई थी। मोतिहारी में गाने के एल्बम में काम दिलवाने का इन सभी को भरोसा दिलाया गया था और उसके बदले में 1500 रुपये हर रोज़ देने की बात कही गई थी। लेकिन जब ये लड़कियाँ मोतिहारी आईं तो इन्हें कुछ और ही नज़र आया। सर, हम लोग को झूठ बोल के लाया गया था यहाँ पे, और हम लोग झारखंडी आधुनिक कलाकार हैं, समझे? और यहाँ पर हम लोग को ला के ऑर्केस्ट्रा में ज़बरदस्ती काम करवाने के लिए बोल रहा था, और हम लोग के साथ ज़बरदस्ती भी करता था। कितना दिनों से रखा था? 10-12 दिन हो गया है सर। 6 तारीख को पहुँचे थे। सबसे फर्स्ट में हमें वो पहचानता नहीं था सारा। हम लोग को गांव वाला एक आदमी लाया है सर, वहां से फिर रांची में ये लेने गया था, ले आया सर, फिर अपना पड़ोस में रखता था सर, फिर वहां छेड़खानी करने लगा था हम लोग को, फिर अपसेट कर दिया था सर, फिर अपना फैमिली के साथ में 2 दिन रखा था सर। अब आपको बताते हैं कि आगे क्या हुआ। पीड़ित लड़कियों का आरोप है कि 10 दिनों से सभी को तुरकोलिया थाना इलाके के माधोपुर में रखा गया था। इतना ही नहीं, पीड़ित लड़कियों का आरोप है कि इनके साथ छेड़छाड़ भी की जा रही थी। जी सर, तो वहाँ से हम गाना गाने के लिए वहाँ से आए, उसके बाद हम यहाँ आने का हमको पता नहीं था कि इधर लाया जाएगा। हमको तो बताए थे कि वहाँ से पटना में 10-15 दिन रहना है, ये सब बोल के वहाँ से लाए, उसके बाद वहाँ से यहाँ लाए। हम लोग को वहाँ थी में रखा गया था, वहाँ से फिर हम लोग को यहाँ लाया। हम लोग को वहाँ भी अच्छा नहीं लगता था वहाँ रहने के लिए, यहाँ अपना घर में लाया। यहाँ पे हम लोग को रोज दिन डेली पी के आता था और हम लोग को धमकी देता था। उसके बाद गोवर्धन महतो, गोवर्धन महतो, फिर यहाँ आके सबका के बारे में हमको पूछता था। उसके बाद हम नहीं बताते थे सबको, इस सबका बारे में हमको पूछता था, कुछ पूछता था। उसके बाद हम नहीं बता रहे थे। उसके बाद हमको बोलता था कि तुम इन लोग से डरती है, ऐसा बोलता था। उसके बाद हम इन लोग को भी नहीं बता रहे थे ना, उसको भी नहीं बता रहे थे। वो अपना तरफ हमको खींचना चाहता था, इन लोग से अलग करना चाहता था हमको। जिन लड़कियों को एल्बम में काम करने के नाम पर मोतिहारी लाया गया था, उनके साथ एक लड़का भी था। ये लड़का पीड़ित 3 लड़कियों में से एक का भाई है, लेकिन इसे भी लड़कियों के पास से हटाने की कोशिश की जा रही थी। कहा जा रहा था कि ये वापस लौट जाए और यहाँ सभी लड़कियों का ख्याल रखा जाएगा। 2 लड़की सर रांची का, समझे सर, एक स्टेशन पतरातू स्टेशन की है ना, तो मतलब कि ये लोग हम लोग ने बोल के लाया गया यहाँ कि तुम लोग कलाकार बन जाएगा सर। 10 दिन के लिए मैंने सर बोल के लाया गया, और यहाँ पर आने के बाद जो मालिक जो पैसा लिया सर यहाँ से, 15,000 मालिक से लिया, गोवर्धन महतो जी से 15,000 रुपये लिए। 15,000 लेके आ गया सर, उसको उचल गया सर, वो गया है करीब आपको 8 तारीख को यहाँ से निकल गया सर, और अभी तक नहीं आया, बोला 2 दिन हम यहाँ आएंगे। उसका नाम है सुखदेव, रांची कराने वाला है, वो दोनों लड़की ही जानती है उसका डिटेल, ये सब जानती हूँ, नहीं जानती उतना। वो भाग गया सर, आया नहीं उसका दोबारा, और आ जाने वाला था तो आज उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, नहीं लग रहा है। उसका दोस्त लग बोल रहा है कि मतलब मेरे पास मोबाइल है नहीं है, ऐसे वैसे, और भाग गया सर। और जबकि हम बोले, और गोवर्धन माँ तो हमेशा धमकी देता था, और आज हमको पतरातू भेजने वाला था, तो हम वैसे ही आज हिम्मत करके हम मतलब कि कोटवा थाना गए सर, तो वहाँ का CO सर बोले कि जाओ तुम थी तुम्हारा थी CO सर भी इनके पास नाजिर जो है ना अंचल अधिकारी उनके पास भेजे, फिर अंचल अधिकारी से फिर इधर एप्लीकेशन लिख के दिए, फिर यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। इसके बाद एक दिन मौका मिलते ही इस बारे में पास के स्थानीय थाने को जानकारी दी जाती है, और फिर जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आ जाता है और हैवानों की गिरफ्त में जकड़ी लड़कियों को छुड़ा लिया जाता है। बताया कि सर हमारी एक बहन और 2 लड़की है, एक गोवर्धन महतो नाम का आदमी है जो हम लोग को कला सिखाने के नाम पर यहाँ लाया था, लेकिन हमारे बहन के साथ जाति कर रहा है और जबरदस्ती बंधक बना कर रखा है, हम लोग घर नहीं जाने दे रहा है। तो हमने कहा कि भाई कहाँ पे है, तो हमारे कुटवा बॉर्डर पे तुरकोलिया थाना में पड़ता है माधोपुर, वहाँ का मामला था। तो चूँकि इसने कुटवा थाना प्रभारी के लिए आवेदन दिया था, तो मैं सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभी DCLR साहब जो चार्ज में है उनसे बात किया, फिर उन्होंने कहा ठीक है दोनों थाना को लाइनअप करके तुम जाओ लड़की की खबरें करो,
फिर मैं तुरतुरिया थाना और कठुआ थाना को साथ लेकर गया, लड़की का रिकवरी किया, लड़कियों से पूछा, लड़कियाँ बताई कि जबरदस्ती हमें रखा गया है, जो संचालक गोवर्धन महतो है वो और उसकी पत्नी के मिली भगत से हम लोग क्या रखा है, लोग बहुत जबरदस्ती कर रहा है लोग और हम लोग को घर नहीं जाने दे रहे हैं। काम के नाम पर धोखा मिलने का ये कोई अकेला या पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं और फिर आंख मूंद कर उन पर भरोसा कर लेने पर ऐसे ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जरूरत है सावधान रहने की। पंकज कुमार, जी मीडिया, मोतिहारी। औरंगाबाद जिले में लोग काफी गुस्से में जाते हैं और फिर वो सड़कों पर उतर आते हैं। आखिर क्या यह पूरा मामला? औरंगाबाद में दबंगई का मामला सामने आया है। ये मामला जिले के माली थाना इलाके के बैराव गांव का है। लोग काफी गुस्से में थे और इलाके में रमेश चौक को जाम कर दिया गया। लोग नारेबाजी कर रहे थे, गुस्सा थमता नहीं दिखाई दे रहा था और फिर कुछ देर के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। लोगों के गुस्से को देखते हुए सावधानी के साथ हालात पर काबू पाने की कोशिश करती है। लोगों का आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग माने जाने वाले लोगों ने रास्ता रोकने की कोशिश की। दरअसल ये लोग प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे, लेकिन आरोपियों ने जेसीबी मशीन के जरिए रास्ता रोक कर विसर्जन करने से लोगों को भी रोक दिया। इस बारे में पुलिस को जानकारी देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। आरोप है कि पुलिस ने मामले को सुलझाने के बजाय विसर्जन में बजाए जाने वाले डीजे को जब्त करने में जुटी रही। थक हार कर लोग जिला मुख्यालय पहुंचते हैं और फिर सड़क जाम कर देते हैं। रोक दिया गया जुलूस हम लोग को जैसे भी लगा के दरवाजा पे। पप्पू पांडे कह रहा है कि सर जुलूस इसमें नहीं जाएगा, तुम लोग छोटा कास्ट है, अर्जन जाती है, अर्जन जाती है, जो हम कहेंगे सही करेगा। हाँ, और जो हम कहेंगे से होगा। मालिक खाना वो नहीं। और सर जैसे भी लगवा के बोल रहा है कि से कौन कितना हीरो है, से निकालो हम देख लेते हैं। गोली बंदूक निकाल दो। पिछले बार भी झगड़ा किया सर जुलूस में हम लोग के साथ, पुलिस नहीं पहुंची थी पिछली बार सर, मारपीट हुआ था सर पिछले बार। इस बार आई तो पुलिस आगे वाले के जुलूस दीजिए मेरा जब्त कर लिए। रास्ता जाम होने की खबर मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल के साथ सदर एसटीओ और एसटीपीओ भी मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़ा और लाठी चार्ज कर लोगों को मौके से हटाया गया। गाली खराब गाना बजा रहे थे, इसलिए वो एक रास्ते में रोक लगा दिया है, तो यहाँ आकर के लोग जाम लगा दिया। दरअसल इन लोग विसर्जन है तो जुलूस भी, जुलूस का जो लाइसेंस होता है वो भी नहीं लिया है, तो विसर्जन की कार्रवाई की जा रही है। जो भी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का समस्या उत्पन्न किया गया है उसकी भी कार्रवाई की जाएगी। लाठी चार्ज नहीं हुआ, भीड़ को हटाने के लिए किया गया है लाठी चार्ज। पुलिस को देख करके लोग भागना शुरू कर दिया। बहरहाल लाठी चार्ज के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन जाती है। लोग अब पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठा रहे हैं। हकीकत भी यही है, अगर संवेदनशील हालात में पुलिस की तैयारी पुख्ता रहती तो शहर को तनाव का सामना नहीं करना पड़ता। मनीष कुमार, जी मीडिया, औरंगाबाद। पटना सिटी में पुलिस ने लूट के 55 मोबाइल के साथ अलग अलग इलाके से 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। इन लुटेरों से मोबाइल की बैटरी और सिम भी जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक इन लुटेरों के पकड़े जाने से राहगीरों से मोबाइल लूटने और 12 फरवरी की रात मोबाइल दुकान से लूट की घटना का खुलासा हो गया है। गिरोह के अन्य लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गुनाह को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन जब आप सावधान रहेंगे, चौकन्ना रहेंगे, तो गुनाह को रोका जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए मौर्य टीवी, जहां खबरों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता।